अब मान लो मुझे इसे एक्सटेंड करना है, तो यहाँ से एक्सटेंड एज भी है स्ट्रेटजी में, एक्सटेंड एज कर सकते हैं कि मुझे 60% बाहर निकाल के वहाँ पे प्लंज करवाना है। ओके, अब यहाँ से मेरा 60% मैंने जो किया है वो टॉप और बॉटम में भी हो गया होगा। मैं आपको पहले जनरेट करके दिखाता हूँ। जनरेट, तो ये साइड में तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पे भी बढ़ गया है। तो और मुझे इसको अगर बढ़ाना है, यहाँ से वापस बढ़ा देता हूँ कि 25 का टूल है मेरा 110%। ओके, जनरेट। तो ये अब कुछ मेरा बाहर जाके प्लंज होगा, लेकिन ऊपर नीचे भी हो गया है मेरा, तो वो हम लोग सेट करेंगे कट लेवल में। मेरा टॉप डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ से ये मेरा टॉप है और ये वाला मेरा एंड है ये। ओके, उसके बाद जनरेट करते हैं। तो ये टॉप और बॉटम में कंट्रोल हो गया और मेरा साइड से एक्सटेंड होके मिल गया। तो एक तो ये था स्ट्रेटजी के अंदर। दूसरा, अगर मान लो हम लोग क्लोज एरिया मशीनिंग कर रहे हैं, क्लोज एरिया मीन्स कि सब साइड से इसे मुझे आउटर मशीनिंग करना है, तो कट एरिया स्पेसिफाई कर देंगे टेंजेंट टू फेस। ओके, ये ओके। और अब हम इसे जनरेट करेंगे। तो जब आपका ये क्लोज एरिया आप मशीनिंग कर रहे हो, वो टाइम पे अगर डायरेक्ट ऑन पार्ट रखते हो, तो यहाँ से ये ऐसे ही प्लंज करेगा। आपने कहीं काफ़ी बार फील किया होगा, जब आप मटेरियल फिनिश करते हो तो वहाँ पे एक लाइन मार्क रह जाता है, स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ से मेरा कटर हर बार प्लंज हुआ है। वो इजीली आपको या किसी को भी पता चल सकता है कि इसमें ऐसा हो रहा है। तो वो टाइम पे क्या करना है आपको, यहाँ पे दूसरे मेथड है। जब तक ये मेरा मिक्स में रहेगा, ये मेथड मेरे हाइड रहेंगे, यहाँ से हम लोग इसे क्लाइम कट कर देंगे और कनेक्शन में जाके रैम्पोन पार्ट यूज़ कर सकते हो और स्टेगर रैम्पोन पार्ट। यहाँ पे मैं 5 का डिग्री दे देता हूँ, ये ओके, और ये जनरेट। तो ये ऐसे डिग्री में मुझे रैम्प ले के अंदर जाएगा, तो इसमें आपका मार्क नहीं आने वाला है। आपका जो मार्क वाला लाइन वाला प्रॉब्लम है वो वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि मुझे स्टेगर रैम्पोन पार्ट यूज़ करना है, स्टेगर रैम्पोन पार्ट, डिग्री सेम रख रहे हैं, ये जनरेट। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। स्टार्ट आपका यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से बढ़ते 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 वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है। हर पास में ये अलग जगह से एंगल लेगा। अगर आप क्लोज एरिया मशीनिंग कर रहे हो, सबसे बेटर है स्टेगर रैम्पोन पार्ट।